इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप की तीनों गेम जीती है, पर इंडिया फेवरेट है पूरे टूर्नामेंट के लिए। तीन चैलेंजिंग मैचेस हुए और तीनों बार हमारी टीम जीत गई, तो इंडियन फैंस बहुत खुश होंगे ना? हाँ और ना। अभी इंडियन फैंस टीम पर गुस्सा नहीं है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका गुस्सा है बीसीसीआई की तरफ, क्योंकि बीसीसीआई ने इंडियन फैंस को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करते हैं। वही बोर्ड जिसने पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर दिया था एशिया कप में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। द सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई हैज कंफर्म्ड दैट इंडिया विल नॉट बी गोइंग टू पाकिस्तान फॉर द एशिया कप। उसने फिर एक धूमधाम से सेरेमनी करवाई इंडिया पाकिस्तान मैच के पहले, जहां अरिजीत सिंह जैसे स्टार्स मौजूद थे। और ये परफॉर्मेंसेस टूर्नामेंट की कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक लीग मैच के लिए करवाया गया। और मैं उस बोर्ड की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पास मौजूदा समय में कितना पैसा है, इस बात की जानकारी सामने आ गई है। बैलेंस शीट के हिसाब से बीसीसीआई की 2022 में नेटवर्थ 23,000 करोड़ से ज्यादा थी और एनुअल इनकम 4,000 करोड़ से ज्यादा। पिछले साल बीसीसीआई ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे अमीर बोर्ड्स में से एक है उनसे ज्यादा पैसे कमाए कंबाइंड। अब बीसीसीआई इतना अमीर है तो उसकी वजह से प्लेयर्स और फैंस को एकदम रेड कार्पेट एक्सपीरियंस मिलता होगा ना? राइट रॉन्ग। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये फैन वर्ल्ड कप की टिकट्स बुक करने की कोशिश कर रहे हैं बुक माय शो में, और ये कोई आसान चीज नहीं है। एक व्यक्ति को 5 साल के लिए वेटलिस्ट पर रखा गया, और ये सबसे बुरी बात भी नहीं है। सुखमनजीत सिंह जो एक डेवलपर है, उन्होंने देखा कि बुक माय शो के कोड ने दिखाया कि इंडिया पाकिस्तान मैच जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है अहमदाबाद में, उसकी बुक माय शो ने बस 8,334 ही टिकट्स अवेलेबल करवाई। एक ऐसे स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000 सीट्स। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि इसमें बीसीसीआई की क्या गलती है, ये तो बुक माई शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। पर इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए नए सिरे से 4,00,000 अतिरिक्त टिकट्स रिलीज करेगा। तो ये नई टिकट्स कहाँ से है? स्टेडियम की कैपेसिटी तो बड़ी नहीं, तो फिर ये सडनली टिकट्स आसमान से कैसे गिरी? और रीजन बताया गया कि अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है इस वर्ल्ड कप की। जैसे बीसीसीआई को अंदाजा ही नहीं था कि क्रिकेट के कितने फैंस हैं हमारे देश में। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच के एक हफ्ते पहले बीसीसीआई ने 14,000 और टिकट्स रिलीज करी इस मैच के लिए। अब वो टिकट जिनके लिए लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं वो बूंद बूंद करके क्यों बांटी जा रही है? इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की ओपनिंग गेम के लिए तो अहमदाबाद में 30,000 टिकट्स महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करी गई। पास दिया है, बराबर है, इसलिए हम आए हैं। बीजेपी ने दिया। ट्विटर पर एक फैन ने इस चीज को कंफर्म भी किया। स्पोर्ट्स स्टार के हिसाब से ईडन गार्डन स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 और उन्होंने 32,000 टिकट्स ही रिलीज करी जनरल पब्लिक के लिए। चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में कैपेसिटी है करीब 35,000 और बस 13,000 टिकट्स ही सेल के लिए रिलीज करी गई, और अहमदाबाद में ये नंबर था 1,00,000। अगर आपको किसी तरह टिकट्स मिल भी गई तो स्टेडियम के अंदर आपको ऐसा नजारा मिलेगा। ये है हैदराबाद का स्टेडियम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गेम के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप टिकट्स की सेल स्टार्ट हुई 25 अगस्त को, वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से 41 डेज पहले। फीफा 2022 वर्ल्ड कप जो नवंबर में हुआ था उसकी टिकट्स की सेल्स कब स्टार्ट हुई? टूर्नामेंट के 11 महीने पहले। इफ यू आर अ फॉरेनर एंड यू वांट टू ट्रैवल टू इंडिया टू वॉच द क्रिकेट वर्ल्ड कप, अतिथि देवो भव, यू विल गेट ओनली 41 डेज टू बुक योर वीजा, बाय द मैच टिकट्स, बुक होटल्स एंड अरेंज अदर लॉजिस्टिक्स। वर्ल्ड कप 2023 को लगभग अब 4 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें, जब साल 2015 में वर्ल्ड कप खेला गया तब 18 महीने पहले ही शेड्यूल आ चुका था। फैंस को तो छोड़िए, प्लेयर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। धर्मशाला का आउटफील्ड इतना बुरा था कि इंग्लैंड टीम को अपने प्लेयर्स को बताना पड़ा कि वो आउटफील्ड में डाइव ना लगाए। I think it's poor talking about being careful diving or sort of maybe be careful when you're fielding. So. पर ऐसी प्रॉब्लम्स बस हमें स्टेडियम के अंदर नहीं दिखती, बल्कि स्टेडियम के बाहर भी दिखती है। T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने के बाद से ही क्या विराट और बीसीसीआई के बीच तलवारें खिंच चुकी थी? क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही लगने लगा था कि आगे उनकी राह और मुश्किल होने वाली है? अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई का खौफ इतना है कि क्रिकेट जर्नलिस्ट भी बीसीसीआई के बारे में खुले बात नहीं कर सकते, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कई प्रॉब्लम्स जो बीसीसीआई में है जिसका ऑफ द फील्ड ही नहीं बल्कि ऑन द फील्ड इम्पैक्ट भी पड़ता है इंडियन क्रिकेट को। बीसीसीआई के बारे में बात करें तो सबसे जरूरी बात हमें करनी होगी
वो है पैसा। दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI ये इनकम और एक्सपेंडिचर टेबल है BCCI की 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। BCCI की इनकम थी 4000 करोड़ से ज्यादा और एक्सपेंडिचर था करीब 1600 करोड़, जिसका मतलब है कि BCCI की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी है। पर ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था, इनफैक्ट BCCI की भी खुद की रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। करीब 30 साल पहले अर्ली 1990s में BCCI एक भी पैसा नहीं कमाता था इंडियन क्रिकेट मैचेस को लाइव टेलीकास्ट करके। इनफैक्ट BCCI को पैसे देने पड़ते थे कि उनके मैचेस टीवी पर दिखाए जाए। अर्ली 1990s में दूरदर्शन एक सरकारी नेटवर्क की मोनोपोली थी इंडिया के क्रिकेट मैचेस पर। हर टेलीकास्ट के लिए दूरदर्शन BCCI से 5,00,000 रुपए मांगता था अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के लिए। पर ये चेंज हुआ 1991 में, जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम इंडिया आई। After 21 years of international isolation, South Africa returned to the world stage in India. ये मैचेस साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि करीब 20 साल बाद साउथ अफ्रीका वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रही थी। अपार्टहाइड की वजह से साउथ अफ्रीका पर बैन लगा दिया था और कोई भी टीम उनके साथ खेल नहीं रही थी, क्योंकि एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट होने वाली थी साउथ अफ्रीका के लिए। उनके मैनेजर ने रिक्वेस्ट करी कि जो 3 ODIs होंगे उनका लाइव टेलीकास्ट साउथ अफ्रीका में भी दिखाया जाए। जब साउथ अफ्रीकन मैनेजर ने BCCI से पूछा कि आप कितना पैसा लोगे इन मैचेस को टेलीकास्ट करने के लिए, तो BCCI के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कितने पैसे मांगने चाहिए। BCCI ने कहा कि आप पूरी सीरीज के लिए हमें $30,000 दे दो। साउथ अफ्रीकन मैनेजर ने $30,000 सीरीज के लिए नहीं, हर एक मैच के लिए $40,000 दिए, जो BCCI की मांग से 4 गुना ज्यादा था। फाइनली BCCI को पता चला कि वो क्रिकेट से पैसा कमा सकते हैं। फिर इंडिया की नेक्स्ट होम सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ 1993 में, और उस सीरीज की उन्होंने टीवी राइट्स बेची ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को, और इस डील से कमाए $600,000। ऐसे ही करते करते BCCI अच्छा पैसा कमाने लग गए। 2006 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने करीब 650 करोड़ रुपए कमाए। पर 2008 में कुछ हुआ, इसने BCCI और इंडियन क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। IPL BCCI के लिए एक सुनहरी मुर्गी बन गई। पिछले साल BCCI ने 4,300 करोड़ रुपए कमाए थे टोटल, जिसमें से आधे से ज्यादा IPL से ही आया। BCCI की प्रॉब्लम रेवेन्यू साइड में नहीं है, बल्कि एक्सपेंडिचर साइड में। पिछले साल BCCI का सबसे ज्यादा खर्चा था 840 करोड़ का, जो गया था डिफरेंट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को, जो BCCI का भाग है। अब स्टेट एसोसिएशंस को ये पैसा गया, ये अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये कि कई स्टेट एसोसिएशंस के साथ हमें ये नहीं पता कि उन्होंने इस पैसे के साथ क्या किया। जैसे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की लेटेस्ट बैलेंस शीट 2018-19 की है, पिछले 4 साल की आपको कोई एनुअल रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी। यही इश्यू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ है, और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तो मुझे एक भी एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली। तो ये पता लगाना कि ये पैसा जा कहां रहा है, ये बहुत मुश्किल है। नीरज कुमार, जो दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे और BCCI के एंटी करप्शन यूनिट को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि BCCI का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। शारदा उग्रक, जो एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 2017 के बाद तो BCCI ने कोई भी अपनी बैलेंस शीट अपलोड ही नहीं करी। द मिंट ने भी इसके बारे में खबर छापी थी 2022 में, जब शारदा ने 2 महीने पहले BCCI से उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मांगी, उनको कोई जवाब नहीं मिला। पर करीब 1 महीने बाद BCCI ने किसी को बताए बिना अपनी सारी एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड कर दी। जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि पैसे यूज कैसे हो रहा है, तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे कि पैसा ढंग से यूज हो भी रहा है या फिर नहीं। कर्नाटक और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन कुछ एक्सेप्शन में से एक, जिनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप BCCI की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ोगे, एक्चुअली उन स्टेटमेंट्स में बहुत डिटेल दी गई है। जैसे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पिछले साल BCCI ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 60 करोड़ रुपए यूज करे और नॉर्थ ईस्ट की क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 70 करोड़। पिछले साल कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने ये भी कहा कि उनको 55 करोड़ रुपए मिले BCCI से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब ये छोटी रकम नहीं है, और BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने 2019 में अनाउंस भी किया था कि BCCI और पैसा देगी स्टेट एसोसिएशंस को। पर क्या इस पैसे से फैन एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है? एक्सपीरियंस हम उसी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की दिखा रहे हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, और सबकी तमन्ना जो है वो एक ही है कि उन्हें फाइनल का टिकट मिल जाए। ये नजारा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर IPL फाइनल के दौरान। टिकट सेल्स काउंटर पे स्टार्ट हुई फाइनल के एक दिन पहले,
अब ऑब्वियसली बात है कि डिजिटल जमाने में कौन खड़ा होगा स्टेडियम में एक फिजिकल टिकट के लिए, पर चाहे आप डिजिटल हो या नॉन डिजिटल आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है, पैसे किया हुआ है, पैसे ले लिया उन्होंने, उनमें पेटीएम वाला है उसका 111 रुपए कन्वीनियंस चार्ज भी लिया है। अब ये लिखा है कि फिजिकल टिकट लेके आओ, हम इधर आए, सिचुएशन देखो। क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स ली थी उनको भी बोला गया कि उनको उसी दिन फिजिकल टिकट लेने आना पड़ेगा। तपती गर्मी में कई लोग भीड़ के अंदर खड़े रहे आईपीएल फाइनल की एक टिकट के लिए, पर लाइन लगी भी तो कोई सेपरेशन नहीं थी कि एक लाइन टिकट कलेक्शन की हो जिन्होंने ऑनलाइन खरीदी और दूसरी लाइन उनकी जो फिजिकल टिकट अभी खरीदना चाहते हैं। बीसीसीआई या फिर स्टेट एसोसिएशन से उधर कोई भी ऑफिशियल नहीं था जो लोगों की मदद करे। ऐसी भीड़ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी, पर वही हुआ। कुछ देर बाद फैंस पर लाठी चार्ज किया गया। अगर आपको टिकट मिल भी गई तो जरूरी नहीं है कि इन स्टेडियम एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। ये देख लीजिए आप, इसके टॉयलेट का हाल कितना खराब है, चारों तरफ गुटखा थूका हुआ है। वेरी हाइजीन फूड है, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये नजारा है चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम से, और ऐसी सीट्स कई और फैंस को मिली। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मोहक ये क्या बात हुई, इक्के दुक्के ऐसे बुरे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि बीसीसीआई कई बार क्रिकेट फैंस को ग्रांटेड लेती है। बीसीसीआई कह रही है कि इस बार हम फैंस को इतना अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, उस अच्छे एक्सपीरियंस में क्या फ्री पानी देंगे। जो बंदा 800 और 1000 रुपए का टिकट लेके अंदर आ रहा है वो पानी की बोतल नहीं खरीद पाएगा क्या? जैसे इस साल बीसीसीआई ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट कर दिया लास्ट मिनट पर, क्योंकि धर्मशाला का आउटफील्ड रेडी नहीं था। ये हुआ था मैच के करीब 2 हफ्ते पहले, पर बीसीसीआई की स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि इस चीज के लिए वो सॉरी है। कई फैंस अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, होटल बुक करते हैं ऐसी डेट्स के बेसिस पर, बीसीसीआई ने डेट चेंज कर दी और सॉरी तक नहीं बोला। बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है, पर ऐसा कोई भी ऑफिशियल नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है फैंस के एक्सपीरियंस के लिए। कि स्टेडियम में कोई बीसीसीआई ऑफिशियल क्वालिटी चेक्स नहीं करता कि फैन का एक्सपीरियंस अच्छा होगा एक स्टेडियम में या फिर नहीं। वो ऑफिशियल जरूर है बीसीसीआई में जो प्लेइंग सरफेस देखते हैं या फिर प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स के एरियाज देखते हैं, पर क्रिकेट के फैंस के एरियाज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इस चीज की वजह से बस फैंस ही भुगतते, हमारे प्लेयर्स भी भुगतते हैं। जैसे एक एवरेज रणजी प्लेयर की इनकम है 14 से 20 लाख रुपए। एक रणजी प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में खेलता है तो उनको 35,000 रुपए मिलते हैं हर दिन के लिए। ये सैलरी फिक्स करी थी 2007 में, और 2021 में क्या सैलरी थी? 35,000 रुपए। तो 14 साल से ये नंबर चेंज नहीं हुआ। 2021 में सैलरी जरूर बढ़ाई गई, और अब सीनियर प्लेयर 60,000 रुपए कमाते हैं हर दिन के लिए। आप में से अगर इंडिया की क्रिकेट न्यूज बहुत अच्छी तरह फॉलो करता है तो आप बोलोगे कि मोहक तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि सैलरी के अलावा रणजी प्लेयर्स को प्रॉफिट्स का शेयर भी मिलता है। पर ये सही बात है। 2001 में कई सीनियर प्लेयर्स ने मीटिंग करी बीसीसीआई के साथ ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स को कितना पैसा मिलेगा। प्लेयर्स की तरफ से इन मीटिंग्स को लीड कर रहे थे राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले। उस समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने बोर्ड का 25% रेवेन्यू प्लेयर्स को देता था। जब उस समय के बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया से पूछा गया कि बीसीसीआई कितना शेयर प्लेयर्स को देगा, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को मात देने की कोशिश करी और उन्होंने कहा 26%। इसको फाइनलाइज किया गया 2004 में और इसको बुलाया गया ग्रॉस रेवेन्यू शेयर यानी कि GRS। इस फॉर्मूला के हिसाब से बीसीसीआई के 26% ग्रॉस रेवेन्यू से 13% इंटरनेशनल प्लेयर्स को, 10.4% डोमेस्टिक प्लेयर्स को और 2.6% जूनियर प्लेयर्स को बांटा जाएगा, पर रियलिटी अलग है। अब 2014 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने ये जरूर माना था कि बीसीसीआई 26% दे रहा है क्रिकेटर्स को, 2017 में पता चला कि बीसीसीआई 26% नहीं बल्कि बस 8% प्लेयर्स को दे रहा था। बीसीसीआई अपना 70% रेवेन्यू स्टेट एसोसिएशंस को देता और जो 30% बच जाता उसका 26% प्लेयर्स को देता, और कई बार तो ये GRS प्लेयर्स को दिया ही नहीं जाता। जैसे दो स्टेट एसोसिएशन के प्लेयर्स ने शारदा उग्रा को कंफर्म किया कि उनको पिछले 5 सालों में कोई GRS सैलरी दी ही नहीं गई। कई बार प्लेयर्स को एक साल के लिए GRS से 12 लाख मिलते जो अच्छी चीज है, पर कई बार उनको बस 7,000 रुपए दिए गए। जब एक क्रिकेटर को बस 7,000 मिले उनको लगा शायद एक जीरो मिसिंग है, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से पूछा जिन्होंने कहा कि उनको भी 7,000 रुपए के करीब ही पैसे मिले हैं। ये GRS बीसीसीआई का ग्रोस रेवेन्यू से था, पर इसका फॉर्मूला बदलता गया। बीसीसीआई को ये रियलाइज हुआ कि आईपीएल के बाद उनका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि वो आईपीएल का पैसा GRS में नहीं डालेंगे, उसके बाद ICC की मीडिया राइट्स
उसी तरह बढ़ने लग गई और वापस बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि इसको भी वो जीआरएस में इंक्लूड नहीं करेंगे। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई से पूछा कि प्लेयर्स को 26% क्यों नहीं मिल रहा है, तो एक बोर्ड ऑफिशियल ने कहा कि क्रिकेटर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एड्स से, ये सब बीसीसीआई की वजह से है, तो उनको और पैसा देने की क्या जरूरत है। अब हम ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये पैसा प्लेयर्स को मिलना भी चाहिए या फिर नहीं। अब ये सच है कि कई क्रिकेटर्स का बहुत फायदा हुआ है आईपीएल से और वो बहुत पैसा कमा पाए हैं और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय बीसीसीआई को जाता है, पर सवाल बस उस चीज का नहीं है, सवाल ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आपको फॉर्मूला बदलना है तो बदल दो, अरे अनाउंस तो करो लोगों को कि हमने फॉर्मूला बदल दिया है। ये सेम प्रॉब्लम ऑफ द फील्ड भी है। जैसे कई फैंस ने कंप्लेन किया है कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप का स्केड्यूल इतना लेट रिलीज किया। ये स्केड्यूल वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से 100 दिन पहले निकाल दिया गया था, पर 2 महीने बाद वापस रिवाइज किया गया, जिसकी वजह से टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। फैंस आर कंप्लेनिंग ऑन सोशल मीडिया, दे हैव प्रॉब्लम्स विद द टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस। पर इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का कोई ऑफिशियली टूर्नामेंट डायरेक्टर ही नहीं है। ESPN क्रिकेट इन्फो ने कहा कि ICCI और BCCI सोर्सेज के हिसाब से हेमंग आमिन अनऑफिशियली टूर्नामेंट डायरेक्टर है, पर इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। पर ICCI और BCCI के दूसरे लोगों ने कहा कि उनको हेमंग आमिन के बारे में ये पता ही नहीं है, जबकि 2019 में जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था उसकी सिचुएशन अलग थी। वर्ल्ड कप के 3 साल पहले ही ICCI और ECB ने स्टीव एल्वर्दी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था वर्ल्ड कप का, तो सबको पता था कि इस टूर्नामेंट के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे इंडियन वर्ल्ड कप के लिए सिचुएशन इतनी खराब है कि ICCI के CEO खुद बता नहीं सकते थे कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल कब रिलीज किया जाएगा। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बस पैसों के बारे में नहीं झलकती, बल्कि हमारी क्रिकेट टीम के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस के बारे में भी। 16 सितंबर 2021 को विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो इंडिया की T20 कैप्टनसी छोड़ रहे हैं अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए, और वो ODI और टेस्ट मैचेस में कैप्टन बने रहेंगे। विराट ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, हालांकि कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। पर 2 महीनों में BCCI ने कुछ और ही अनाउंस किया। अब भारत की वनडे टीम के भी कप्तान हैं रोहित शर्मा। उनके नाम के ऐलान के साथ ही सफेद बॉल की क्रिकेट में यानी T20 और वनडे में विराट की कप्तानी का अंत हो गया। उन्होंने कहा कि वो विराट कोहली के बजाय रोहित शर्मा को इंडिया का ODI कैप्टन बना रहे हैं। रीजन क्या था ये उनके प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया। 12 दिसंबर 2021 को सौरभ गांगुली जो तब के BCCI प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न्यूज 18 को बोला I had personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload, which is fine. You know, he's been a great cricketer. He's very intense with his cricket, and that's what it is. So they wanted one white ball captain, and that's why this decision. कि उन्होंने विराट कोहली को बोला कि वो reconsider करे T20 captaincy छोड़ने का decision, पर विराट कोहली वर्कलोड की वजह से ये कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे, और क्योंकि गांगुली बस एक वाइट बॉल कैप्टन चाहते थे हमारी टीम में, इसी वजह से उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अगर T20 कैप्टन बनेंगे तो उनको ODI कैप्टन भी बनना चाहिए। पर 3 दिन बाद विराट कोहली ने कहा कि जो सौरभ गांगुली ने बोला वो सही नहीं था। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision. क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको बोला ही नहीं गया कि उनको अपने T20 captaincy देने का decision reconsider करना चाहिए, बल्कि BCCI ने विराट कोहली को बोला कि एक अच्छा decision है। तो गांगुली कहते कि उन्होंने request किया विराट कोहली को reconsider करने के लिए। I personally requested him not to give up T20 captaincy. और विराट कोहली ने कहा there was no prior communication with me at all. तो झूठ कौन बोल रहा है? इनफैक्ट BCCI की प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि वो 6 महीनों से डिस्कशन कर रहे थे विराट कोहली के साथ इस बारे में, और इस चीज के बारे में उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। अगर ये डिसीजन सोच समझ के लिया गया था और एक रोड मैप के हिसाब से था, तो फिर गांगुली ने ये क्यों बोला कि उन्होंने विराट कोहली को रिकंसिडर करने के लिए कहा? ये एक और एग्जाम्पल है जब BCCI ने कन्फ्यूजन हटाने की बजाय कन्फ्यूजन बढ़ाया। और एक कैप्टनसी के साथ ही नहीं, सेलेक्टर्स के साथ भी यही चीज होती है। यह है वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जो इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद BCCI ने डिसाइड किया कि वो पूरी सिलेक्शन कमेटी को हटा देंगी, इंक्लूडिंग चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI has sacked the entire cricket selection committee headed by Chetan Sharma. The selectors have been sacked after the team's poor performance at the T20 World Cup. पर 1 महीने बाद क्या हुआ? चेतन शर्मा को वापस चीफ सिलेक्टर बनाया गया। इस चीज के 1 महीने बाद चेतन शर्मा फिर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए। उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीधा ये BCCI पे अटैक होता है।
जिसके बाद बीसीसीआई ने उनको वापस हटा दिया। चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड चेतन शर्मा हैज स्टेप्ड डाउन आफ्टर ही वाज कॉट ऑन कैमरा स्पिलिंग द बीन्स ऑन द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। उस समय एक बोर्ड ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि टीम में कोई भी चेतन शर्मा के दूसरे सिलेक्टर्स भी उनसे बात नहीं कर रहे थे और चीफ सिलेक्टर मानो अकेले पड़ गए थे। अगर ये सिचुएशन थी तो चेतन शर्मा को फिर वापस चीफ सिलेक्टर क्यों बनाया गया, ये किसने डिसाइड किया? अगेन इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। और ऐसा नहीं है कि हर स्पोर्ट्स टीम ऐसे ही बिहेव करती है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल मैनेजर्स टीम सेलेक्ट करते हैं और मैच के बाद और पहले मीडिया उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछती है कि इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया गया। इनफैक्ट स्टार प्लेयर्स के बारे में भी मैनेजर्स को पब्लिकली बोलना पड़ता है कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया या फिर क्यों नहीं। पर ये चीज इंडियन क्रिकेट टीम के साथ नहीं होती, ये चीज हम दूसरी टीम से सीख सकते हैं कि कैसे हम कंफ्यूजन को बढ़ाने के बजाय डायरेक्टली क्वेश्चंस को आंसर करें ताकि फैंस को भी पता रहे कि टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है। हमारे देश के केस में पिक्चर अलग है। टीम सिलेक्शन और प्लेयर फिटनेस मुद्दों पर बोल कौन रहा था? सौरव गांगुली, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, वो काम जो एक्चुअली सिलेक्टर्स का होना चाहिए। चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कहा जाता है कि बीसीसीआई ने ऑर्डर किया है कि सिलेक्टर्स मीडिया से बात ही नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, बीसीसीआई ऑफिशियल्स की या फिर सिलेक्टर्स की। अगर सिलेक्शन इश्यूज पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बोलेंगे तो फिर टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद सिलेक्टर्स को क्यों हटाया गया? अब ऑनेस्टली इंडियन क्रिकेट टीम अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और टच वुड हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, पर इस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से कई पिछले ग्लोबल टूर्नामेंट्स में हमारी टीम का नुकसान हुआ था। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हारा, रोहित शर्मा से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि एक फैक्टर था लैक ऑफ प्रिपरेशन। इवेंट लाइक दिस, फाइनल लाइक दिस, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इंडियन टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला आईपीएल के बस एक हफ्ते बाद, तो शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की होनी चाहिए। पॉइंट ये है कि एज अ क्रिकेट फैन ये बताना मुश्किल है कि इंडिया के परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल कौन है, कैप्टन, कोच, चीफ सिलेक्टर, बीसीसीआई सेक्रेटरी या फिर बीसीसीआई प्रेसिडेंट। अगर स्टॉक मार्केट में एक पब्लिक कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो बोर्ड क्या निर्णय लेगा? वो सीईओ को हटा देगा, क्योंकि सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। पर इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में किसकी जिम्मेदारी है ये पता नहीं। इसी वजह से सबा करीम, जो एक सिलेक्टर और बीसीसीआई में मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हायर करना चाहिए जो इंडियन क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होगा। इंग्लैंड जैसी क्रिकेट टीम्स में ऐसा रूल है। सबा करीम ने लिखा कि कैसे फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एंड्रयू स्ट्राउस इंग्लिश क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी जिम्मेदारी है सेलेक्टर्स को चुनना, कैप्टन को चुनना, कोच को चुनना और इंग्लैंड की प्लेइंग फिलॉसफी डिसाइड करना। कई लोगों ने इसी सिस्टम को क्रेडिट दिया है इंग्लैंड के ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप जीतने के पीछे। टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लिश क्रिकेट टीम एक रेवोल्यूशन लेकर आई है। One of, if not the greatest test match innings ever played, has just seen England the victory. In the highest run chase in their history. सवाल अब यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इसके पीछे कारण है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है पर वो मैनेज एक पब्लिक गुड को कर रही है, क्रिकेट को, एक ऐसे देश में जहाँ क्रिकेट का पागलपन। हमारे देश की मोस्ट स्पोर्ट्स बॉडी सरकार के अंडर है, पर बीसीसीआई ना ही सरकार के कंट्रोल में है और ना ही सरकार से उनको कुछ पैसा मिलता है, क्योंकि बीसीसीआई एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। क्यों? बीसीसीआई कहता है कि आईसीसी रूल के हिसाब से सारे मेंबर बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए या सरकार का इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से बीसीसीआई एक पब्लिक बॉडी नहीं है और उनको लीगली पब्लिक को डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है कुछ। इनफैक्ट 2004 में बीसीसीआई ने हाई कोर्ट को बताया था कि बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है और जो टीम वो सेलेक्ट करती है वो इंडिया की नहीं है, वो बीसीसीआई की टीम है। अब लीगली चाहे बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी हो पर वो ऐसी चीज को मैनेज कर रहे हैं जो एक पब्लिक गुड है। अब अगर बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी एक नामुमकिन चीज है। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स भी प्राइवेट क्लब्स हैं पर उनके मैनेजर्स इतने प्राइवेट नहीं है जितने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं। इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के पीछे एक मेजर कारण है सेंट्रलाइजेशन जो हम बीसीसीआई में देख सकते हैं। बीसीसीआई के इलेक्शन होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जहाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर्स को इलेक्ट किया जाता है बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव से। इन पोस्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं स्टेट एसोसिएशंस। वोटिंग होती है एक सीक्रेट बैलेट के जरिए और रिजल्ट्स अनाउंस करे जाते हैं, पर ये प्रोसेस इतना ओपन और डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक छोटे से ग्रुप से ही आते हैं, वो ग्रुप जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। जैसे ये है जगमोहन दालमिया, बीसीसीआई के सबसे फेमस प्रेसिडेंट्स में से एक। उनको रिप्लेस किया था शरद पवार ने 2005 में।
इसके बाद दालमिया को बोर्ड से हटा दिया गया क्योंकि उन पर एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने बीसीसीआई के फंड्स को मिसयूज किया है। पर करीब 8 साल बाद ये कारनामा हुआ। स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईपीएल मुकाबलों में फिक्सिंग का सुराग 1 महीने पहले ही मिला था। इस सिलसिले में करीब 50 फोन लाइनों की बातें टैप की गयी। इस फोन टैपिंग से 2 मैचों में स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश हुआ। एन श्रीनिवासन जो तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया अपनी पोजीशन छोड़ने का। बीसीसीआई प्रेसिडेंट की कई टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स की गई, पर 2015 में वापस कौन आया? जगमोहन दालमिया। बीसीसीआई में जगमोहन दालमिया की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। दालमिया को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि एग्जांपल है कि बीसीसीआई में कुछ ग्रुप्स ही हैं जिनके पास पावर रहती है, और चाहे बीसीसीआई में कई ऑफिशियल्स हो, पावर तो प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी के हाथ में ही होती है। जैसे एक बोर्ड ऑफिशियल ने खुद कहा था कि बीसीसीआई में कई सब कमिटीज हैं, पर सारे डिसीजंस या तो प्रेसिडेंट लेते हैं या फिर सेक्रेटरी। डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा पावर है, और बीसीसीआई में पावर जीतने के लिए आपको बीसीसीआई के दूसरे ऑफिशियल्स को खुश रखना होगा। इस चीज के लिए वो कई चीजें करते हैं, जैसे कमिटी मीटिंग्स को बड़े मैचेस के दौरान रखना ताकि बीसीसीआई के मेंबर्स को अच्छी ट्रिप मिल जाए। 2 महीने पहले ही बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स काम की ट्रिप्स के लिए फर्स्ट क्लास में फ्लाई करेंगे और उनको डेली अलाउंस दिया जाएगा $1,000 का, ₹80,000 हर दिन के। 2013 में एक प्लेयर के एजेंट ने बीसीसीआई के बारे में बोला कि बीसीसीआई एक वन मैन शो है जहां राजा जरूर बदलता रहता है हर कुछ सालों में, पर सिस्टम नहीं बदलता। 2017 में बीसीसीआई ने ये चीज चेंज करने की कोशिश करी, जहां उन्होंने कहा कि बोर्ड मेंबर्स का एक टर्म लिमिट होगा, एक समय के बाद वो वापस इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। पर बोर्ड ऑफिशियल्स भी चालाक हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मर बीसीसीआई ट्रेजरर चिरायु आमिन के बेटे प्रणव आमिन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, और अनुराग ठाकुर के भाई हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि बीसीसीआई पर कोई दबाव नहीं है। बीसीसीआई एक मोनोपोली है। जैसे आप में से कुछ लोग जानते नहीं होंगे, पर इंडियन प्रीमियर लीग पहली T20 लीग नहीं थी इंडिया में। 2007 में बीसीसीआई को चैलेंज किया था इंडियन क्रिकेट लीग ने, जिसको फंड किया था सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट के मालिक ने। तो आपको पता है कि बीसीसीआई ने इस चीज के खिलाफ क्या किया, जिन प्लेयर्स को आईसीएल साइन करने लग गई उन पर बैन लगा दिया बीसीसीआई ने। तो वो क्रिकेटर्स जो आईसीएल ज्वाइन कर रहे थे, उनको पता चला कि अगर उन्होंने आईसीएल ज्वाइन कर दी तो वो इंडिया के लिए कभी खेल नहीं पाएंगे। यही हुआ था अंबती रायडू के साथ। इसी दौरान बीसीसीआई ने अपनी T20 लीग लॉन्च करी, इंडियन प्रीमियर लीग। TLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्मयुद्ध, 8 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। इस बैन की वजह से अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट लीग बंद हो गई और बीसीसीआई वापस एक मोनोपोली बन गई। इसका कोई भी कंपेटिटर नहीं है। हर मोनोपोली में एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो पैसा तो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, पर सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती। ये आप इंडियन रेलवेज के साथ भी देख सकते हैं, ये आप हमारे देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी देख सकते हैं, और बीसीसीआई के साथ भी। इनफैक्ट इस मोनोपोली कल्चर की वजह से ही कई कॉमेंटेटर्स बीसीसीआई को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया है कि वो बीसीसीआई के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। क्रिकेट जर्नलिस्ट भी ज्यादा बीसीसीआई की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उन जर्नलिस्ट को बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ही नहीं बुलाया जाएगा। क्रिकेट के मामले में बीसीसीआई हर चीज कंट्रोल करती है, पर अगर आप बीसीसीआई के खिलाफ गए तो क्रिकेट से पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इंडियन सरकार या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो आईसीसी तो कुछ कर सकती है ना? नहीं, क्योंकि उधर भी बीसीसीआई की ही डोमिनेशन है। आईसीसी से सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई कमाती है, क्योंकि ग्लोबल रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। जब पैसा इंडिया से आ रहा है तो आईसीसी के डिसीजन मेकिंग में भी बीसीसीआई ही डोमिनेट करती है। यह हमने वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बारे में भी देख लिया, जब आईसीसी के सीईओ खुद दबाव नहीं डाल पाए बीसीसीआई पर कि बीसीसीआई शेड्यूल जल्दी रिलीज कर दे। अब हम में से कई लोग खुश होंगे कि बीसीसीआई डोमिनेट कर रही है आईसीसी में, इंडिया का तो भला ही हो रहा है ना, उस चीज में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि एक कल्चर डेवलप हो गया है जहां बीसीसीआई को लगता है कि फैंस के साथ ट्रांसपेरेंट होने में कोई जरूरत नहीं है। हमें एक मोनोपोली है, चाहे हम कैसी भी सर्विस दें फैंस तो आएंगे ही। ये आईआईटी की सिस्टम की तरह, बच्चे कितना भी रोले, अगर आपको आईआईटी नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपकी जगह 10 लोग लाइन में लग जाएंगे। और ऐसा ही हाल है इंडिया में क्रिकेट। ऐसे कल्चर की वजह से ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और मैं बस वर्ल्ड कप के टिकट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ करप्शन,
और सेक्सुअल स्कैंडल्स के। यह है 17 साल के रसीक सलम जो 2019 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। कई लोग उनके परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस्ड हुए, इंक्लूडिंग युवराज सिंह, पर बाद में पता चला कि रसीक 17 साल के नहीं है बल्कि 19 साल के हैं। बीसीसीआई ने उनको फिर 2 साल के लिए बैन कर दिया। ये एज वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम इंडियन क्रिकेट में कई सालों से है और इसकी जड़ है करप्शन। इनफैक्ट एक बार विराट कोहली दिल्ली की जूनियर टीम में घुस नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनके पिताजी से एक ब्राइब मांगी गई और उनके पिताजी ने मना कर दिया। अक्टूबर 2017 में पंकज यादव, एक 18 साल के हरियाणा के क्रिकेटर, ने आरोप डाला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर कि वो प्लेयर से पैसा मांग रहे थे डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने के लिए। जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है किशोरी लाल, पर किशोरी लाल को क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किशोरी लाल तो बस एक चेहरा थे। इस एसोसिएशन को चला रहे थे प्रवीण तिवारी जो डिस्ट्रिक्ट के कोच, सिलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर थे, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर से भी पैसा मांगते थे अगर वो उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना चाहते हैं। हरियाणा के नरनौल इलाके से पता चला कि उस डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट को मैनेज कर रहे थे दिनेश कुमार, जो यंगस्टर से घिनौनी हरकतें करवाते थे टीम में घुसने के लिए। नीरज कुमार जो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ऐसे केसेस के बारे में बीसीसीआई जानती है पर इन मुद्दों को सॉल्व करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये बवाल जो मचा रहे हैं कौन मचा रहे हैं? ललित मोदी बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। कई लोगों की माने तो आईपीएल की सक्सेस के पीछे वही है, पर वो अभी इंडिया में एक क्रिमिनल भी है। पर उन्होंने एक बार एक चीज कही थी कि इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया हार भी सकती है और जीत भी सकती है, पर आईपीएल के हर मैच में इंडिया जीतता है। और यही चीज एक जड़ है इंडियन क्रिकेट की कई दिक्कतों के पीछे। आईपीएल के पागलपन की वजह से कोई इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई से सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि बीसीसीआई एक मोनोपोली है। पर ये सिलसिला तभी खत्म होएगा जब बीसीसीआई को रियलाइज होगा कि वो उस देश के क्रिकेट फैंस का जज्बा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये एक डिटेल केस स्टडी थी बीसीसीआई पर ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है इंडियन क्रिकेट के बारे में। एक प्रॉब्लम जिससे हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे लोगों के, वह है क्रिकेट बेटिंग एप्स। इस प्रॉब्लम को ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए।